कुछ खास कर ये नहीं हुए, सड़के सुड़के बनी है बस। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। महिला रिपोर्ट देने जाती है, लोग पैसा दे के दबा देते हैं, महिला पीछे पीछे घूमती है, कभी उधर कभी इधर, कोई ढंग का काम करती नहीं है पुलिस, गेट तक लगते नहीं है। किस तरह का आप विधायक देखना चाहते हो करनाल से, कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे काम करें, रोजगार दें उनको, उनका ध्यान रखें भाई हर तरीके से, तो महिला अकेली जाए तो कोई किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। विकास तो थोड़ा बहुत तो हुआ है, बस सिलेंडर है, गरीब बंदा कैसे कहाँ से 700 रुपये जोड़ेगा और कहाँ से खरीदेगा, जितने का है 400 450 उतने तक तो ठीक है, आगे फिर उसके बाद अगर मतलब ना भी किसी के पास कापी हो तो ब्लैक में जाओ लेने, फिर धक्के खाओ, क्या करो। अच्छा चेन की बात कर लेते, रोजगार किस तरह का मिलता है? रोजगार तो मिलना चाहिए, नहीं मिला ही कहाँ है रोजगार, धक्के खा रहे हैं हम जो अपने काम भी खोल के बैठे हुए हैं, तब भी कस्टमर नहीं है, GST बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो लोग 50 वाली चीज़ को बताएं 70 का, तो अगले कहते हैं ना जी पहले तो ये इतने की थी, तो हम क्या करें, हम लोग तो फंस गए हैं ना, हमारा तो रोजगार ही ठप हो गए हैं, हम तो मक्खियां मार के सवेरे आ जाते हैं, किराए तक नहीं दुकान के निकलते हैं। यहाँ की सड़कें काफ़ी सुधार हुआ है पहले से, पहले की सरकार ने बहुत बुरा हाल कर रखा था, बट काफ़ी जब से CM सिटी अपनी स्मार्ट सिटी बनी है काफ़ी सुधार हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर हाईवे वगैरह कितनी अच्छी सड़कें बनी हैं, बिल्कुल स्मूथ बनी है। अब यही है कि धीरे धीरे आने वाले टाइम पे और सुधार होगा, कई गलियां हैं उनके भी सुधार हो रहे हैं अच्छे से। बदलाव आपने देखा 5 साल? बहुत बदलाव आया है, इसमें कोई शक नहीं है, जितना विकास इस 5 साल में हुआ है, हमने तो अपनी लाइफ के अंदर 50 साल के अंदर भी इतना विकास करनाल का नहीं देखा है। क्या क्या आपने विधायक के नाते मुख्यमंत्री ने समय दिया पूरा जनता को? पूरा समय दिया इन्होंने, टोटल हरियाणा के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं हर एक को पूरी ग्रांट दी गई है, कहीं भेदभाव नाम की कोई चीज़ नहीं है, सारे जिलों के अंदर समान विकास हो रहा है, हम सभी लोग प्रसन्न हैं। अगर इस सरकार की बात की जाए तो जो पहले तक की पहले जितनी भी सरकारें आई हैं करनाल की, अगर खास तौर पर बात की जाए तो जितनी पहले सरकारें विधानसभा में आई हैं उन सब में से बेस्ट अगर 5 साल बीते हैं और अच्छे काम किए हैं तो वो इसी सरकार ने किए हैं, क्योंकि करनाल का अब तक का इतिहास रहा है जब से भी यहाँ विधानसभा के जितने भी मंत्री रहे हैं करनाल के में हमने इतना विकास कभी आज तक देखा ही नहीं जितना इन 5 सालों में विकास हुआ है। देखो विकास तो हुआ जी, इसमें कोई राय नहीं विकास हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ है, जो करनाल की जनता है अगर अपनी समस्या लेकर OSD के पास जाती थी या कहीं वहाँ ढंग से सुनवाई नहीं होती थी तो यहाँ को हमारा जो बनेगा तो खट्टर साहब ही हैं अभी, लेकिन कोई ऐसा उन्होंने इंतजाम करना चाहिए ताकि जनता अपनी समस्या लेकर जाए उसको आराम से कोई सुना ही, बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ तो अब की सरकार में प्लस पॉइंट हैं, जैसे कि सड़कें बनी हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, काम काज खत्म हो गया है, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रोष है, कोई नौकरियाँ नहीं मिलती, बच्चे नौकरियाँ करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, माँ बाप बुजुर्ग होने के बाद बिल्कुल अकेले रहते हैं वो, और ये तो कुछ प्लस और कुछ माइनस है। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, महिलाओं की सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं रही, आजकल अकेली लड़की थोड़ा सा अंधेरा होते ही घर से बाहर नहीं निकल पाती और हर समय खतरा रहता है, जब घर से बाहर जाते हैं बच्चे तो डर लगा रहता है। सरकारी स्कूल पहले तो नाम सुनते ही ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे होंगे, नीचे दरियों पे बैठते होंगे या क्लास होंगे कि नहीं होंगे, पंखे होंगे कि नहीं होंगे, क्लास टीचर्स के लिए स्टाफ रूम्स होंगे कि नहीं होंगे, बट जब मेरा एक फेयर रिक्रूटमेंट जस्ट अभी हुआ है बिल्कुल दिसंबर में, बिल्कुल कह लो मेरिट बेसिस पे हुआ है, गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी पॉलिसी, हमें पता ही नहीं था, नहीं तो हमारी भी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, हमें तो कभी आइडिया भी नहीं था, इतना पढ़ लिख कर भी, बट लगता था कि नहीं शायद, और जब स्कूल में पहुँचे तो यहाँ का सफाई का स्पेशली सबसे पहले यहाँ की क्लिनलीनेस देख के ऐसे लगा कि वेरी गुड, बहुत ही एकदम प्राइवेट स्कूल से भी जैसे अच्छा। उसके बाद क्लासरूम्स में हम देखें तो स्मार्ट रूम्स हैं हमारे पास वाइट बोर्ड्स, हर चीज़ जो भी एक प्राइवेट स्कूल में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं वो सब यहाँ पर, बच्चों को सुनाई जानी है और सक्षम प्लान जो दो स्टार्ट हुआ है ये तो बच्चों की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब मेरिट बनती है, मेरिट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स पूरे बनते हैं और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही है सबके लिए एक जैसा ही है, पूरे हरियाणा के लोग जैसे भी डील करें उस चीज़ से, बहुत अच्छी ये पहल है।